देखिए सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, अभी आप जब पहले प्रोमो दिखा रही थी तो इमरान प्रताप गढ़ी जो राज्यसभा का मेंबर है वो बोल रहा था कि मनुस्मृति को LLB में शामिल किया गया है, पढ़ाया जा रहा है। अतीक अहमद की चरण वंदना करने वाला ये आदमी, सड़क पे शेरो शायरी सुनाने वाला, गुंडों की वंदना करने वाला, और ये आदमी कमेंट कर रहा है मनुस्मृति के ऊपर। हदीस पढ़ाई जाएगी, सब पढ़ाई जाएगी, उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कोई कमेंट नहीं होगा, मनुस्मृति पे इसके मुंह से बोल फूट गए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, बात घोषित और अघोषित की हो रही है। राष्ट्रपति ने आदेश किया, इंदिरा गांधी जी ने टेलीविजन रेडियो से घोषणा की, कितने लोग जेल गए, सब का पूरा रिकॉर्ड रखा हुआ है, उसकी बात नहीं की जाएगी तो किसकी बात की जाएगी? 5000 साल पहले की बात ये आदमी कर रहा है मनुस्मृति की, और 50 साल पहले 40 साल पहले की बात मत करो, जो डॉक्यूमेंटेड है फैक्ट, जिसको पूरी दुनिया में ऑफिशियल रेडियो से डिक्लेयर किया गया। ये देखिए, ये होगा क्या? ये केवल इंदिरा गांधी का वो नहीं था, बड़े हल्के में मत लीजिए, ये पूरी कांग्रेस और उसकी टीम जैसे आज करती है, ये उनकी साजिश थी, और ये फिर बैकफुट पे आएंगे, और उसी तरीके से जैसे पंजाब में सिखों का इन्होंने कत्लेआम दिल्ली में करवाया था और मनमोहन सिंह से माफी मंगवाया था, कांग्रेस ने ही माफी मांगी थी, ये दोबारा माफी मांगेंगे। केवल ये संविधान हत्या दिवस नहीं मनवाना चाहिए, मैं तो बोलूंगा सारे ऐसे पार्टियां जो संविधान की रक्षा करने में विश्वास करती हैं, प्रेशर बनाए कि ये लिखित रूप में माफी मांगे इमरजेंसी के लिए, देश की जनता से माफी मांगे कि हमने गलती की थी, और हम थूक के चाटते हैं कि आगे हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, अदरवाइज इनको संसद में जनता ना जाने दे। ठीक है, हमारे साथ में पूजा मिश्रा जुड़ी हुई है। पूजा जी, आपको क्या लगता है, चूंकि आप इस समय INDIA की अलायंस पार्टनर है, और ऐसे में कांग्रेस का ये कृत्य, क्या आपको लगता है कि पुराने जख्म इस समय मौजूदा समय में कर्म के तौर पर सामने आ रहे हैं, कर्म चक्र के तौर पर सामने आ रहे हैं क्या, और कहीं ना कहीं ये आगे भी देखने को मिलेगा, क्या लगता है आपको? पूजा जी आपको नमस्कार, और साथ ही प्रॉपकॉम को भी मेरा नमस्कार। मैं एक ही चीज तो सुन रही थी, तो मैंने